आज जबलपुर को भी 1 करोड़ की सौगात दी गई है, स्टेशन को फिर से विकसित किया जाएगा। आज जबलपुर के लिए, जबलपुर के विकास के लिए ऐतिहासिक और स्वर्णिम अवसर है। जबलपुर को एक के बाद एक विकास की वो सौगातें प्राप्त हो रही हैं जिनका जबलपुर को अधिकार था। लेकिन देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले इसकी कल्पना नहीं हो सकती। मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि एक के बाद एक बड़ी सौगातों के साथ अब रेलवे में भी जबलपुर को एक ऐसी उपलब्धि हासिल हो रही है। जबलपुर का रेलवे स्टेशन 460 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक और भव्य रूप में सामने आने वाला है, और मैं कह सकता हूं कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन होगा, जिसमें 30 लिफ्ट और 24 एस्केलेटर होंगे, 8 प्लेटफॉर्म होंगे, और उसके साथ साथ जबलपुर के रेलवे स्टेशन का लुक विश्व प्रसिद्ध धरोहर, हमारे जबलपुर के लिए गौरव, महाकौशल के लिए गौरव, भेड़ाघाट की थीम पर होगा, और ये हम सभी के गर्व और गौरव को बढ़ाने वाला होगा। आज 460 करोड़ रुपए की लागत के जिस एयरपोर्ट का भूमि पूजन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है, उसके लिए हृदय की गहराइयों से मैं जबलपुर की जनता की तरफ से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और जिस तरह से पूरे देश में विकास के काम हुए हैं, मध्य प्रदेश में अनेकों विकास के कामों की सौगात रेलवे की दृष्टि से आज मिली है, मैं मध्य प्रदेश की तरफ से भी उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं देश के यशस्वी रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी का भी आभारी हूँ कि मेरे आग्रह पर उन्होंने इस काम को, इस बड़े काम को साकार करके दिखाया। और जब ये लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं छूट रहा है, तो केवल दूरभाष पर बातचीत करके उनको स्मरण कराया और 1 घंटे के अंदर इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो आज जबलपुर की जनता गौरवान्वित है कि जबलपुर विकास के जन कार्यों का अधिकारी था, वो सारे कार्य जबलपुर में होने जा रहे हैं, और शीघ्र ही 460 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट से भी ज़्यादा सुंदर और भव्य रेलवे स्टेशन जबलपुर की जनता को समर्पित होगा। ठीक।